अस्सलामुअलैकुम। लर्न एंड अर्न चैनल में आज हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपको गूगल ड्राइव के बारे में बताएंगे कि गूगल ड्राइव किस तरह से काम करती है, आप उसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से आप अपना वेब डेटा या स्क्रीनशॉट बराह रास्त गूगल ड्राइव में सेव कर सकते हैं। सेव टू गूगल ड्राइव क्रोम वेब ब्राउज़र के लिए एक एक्सटेंशन है। इस एक्सटेंशन से आप वेब डाटा या ब्राउज़र स्क्रीनशॉट बराह रास्त अपने गूगल ड्राइव में महफूज कर सकते हैं। ये एक्सटेंशन खुले हुए वेब पेज को महफूज करने के लिए ब्राउज़र एक्शन में शामिल करती है। राइट क्लिक मेन्यू से हाइपरलिंक और मीडिया को महफूज किया जा सकता है। इसके कई ऑप्शंस को ऑप्शन पेज में कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। इस एक्सटेंशन से आप डॉक्यूमेंट्स, तस्वीर, HTML5, ऑडियो, वीडियोज़ को राइट क्लिक करके सेव टू गूगल ड्राइव मुंतखब करके गूगल ड्राइव पर महफूज कर सकते हैं। ब्राउज़र एक्शन से हाल ही में देखे गए पेज भी गूगल ड्राइव पर महफूज किए जा सकते हैं। ऑप्शन पेज की मदद से गूगल ड्राइव पर लोकेशन और दीगर ऑप्शंस मुंतखब किए जा सकते हैं। डाटा के गूगल ड्राइव पर महफूज होने के बाद प्रोग्रेस डायलॉग से आप फाइल ओपन कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं और फाइल को गूगल ड्राइव पर देख सकते हैं। इस एक्सटेंशन को आप गूगल क्रोम से इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। गूगल ड्राइव आपको 15 GB तक का डाटा देती है। इस 15 GB तक का डाटा आप स्टोर कर सकते हैं। इसमें आप अपनी सारी इंपॉर्टेंट फाइल भी स्टोर करके रख सकते हैं, अपना ऑफिस का डाटा, अपनी डॉक्यूमेंट फाइल, अपनी डिज़ाइनिंग फाइल, लोगोज़ और इस तरह की दूसरी चीज़ें भी आप इस पर स्टोर करके रख सकते हैं, जिसको आप कहीं पर भी बैठकर अपने गूगल अकाउंट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।